सो भाइयों, फाइनली 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 हमारा यहाँ पे एस हो गया और रैंक जो है कुछ 497 के आसपास चल रहा है। लेकिन इतने में मेरा कॉन्कर नहीं होगा, ठीक है। मुझे कम से कम 50 का प्लस और करना पड़ेगा। अपने पास 4 घंटे का टाइम है, आराम से कर लेंगे। अगर माइनस वगैरह हुआ तो भी कर लेंगे, ठीक है। आज इसमें कॉन्कर हो जाएगा। बाकी इधर पे आप लोग कैरियर भी देख लो भाई, कल के जो मैचेज है ना सारे के सारे खराब ही जा रहे थे, नहीं तो भाई कल ही कॉन्करर हो जाता, ठीक है। आज एक्स्ट्रा खेलना पड़ रहा है थोड़े से, कुछ 2-3 मैच की वजह से 2-3 मैच और खेल लेता। अपने पास टाइम भी था बट रात को मैचिंग नहीं होती ना, वो सीन है। और यहाँ पे अपनी FD भी ठीक ठाक है यार, अपने लिए इतना बहुत है, ठीक है। 5, 26, 5.5 इतना बहुत है यार अपने लिए। बाकी कुछ बंदे पूछ रहे हैं मैचिंग कब तक चलेगी, तो सुनो भैया अभी तो हमारा 11वां दिन है, ठीक है। तो अभी 4 से 5 दिन तो आराम से खूब अच्छे से मैचिंग होगी, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा मुश्किल, मतलब भाई थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार एक बार नहीं 2 बार 3 बार ऐसे मैच स्टार्ट करोगे तब जाके मैचिंग लगेगी, ठीक है। मतलब भाई 5-5, 6-6 मिनट तक का वेट करना पड़ सकता है, बट अभी 3-4 दिन तक तो अच्छा चलेगा। और उतने में तो लगभग भाई मोस्ट ऑफ द बंदों का कॉन्कर हो जाता है और हो भी गया होगा। बाकी मेरा तो हो ही गया जबकि मैं इतना स्लो खेल रहा था, तो आप लोग का तो हो ही गया होगा, है ना। और हाँ, जिस हिसाब से बंदे खेल रहे हैं अभी भी अच्छे से मैचिंग हो रही है, तो इससे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कम से कम 20 दिन तो मैचिंग चलेगी चलेगी। तो आराम से खेलो, इजीली कॉन्करर हो जाएगा। 20 दिन बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं भाई आप 20वें दिन लेके जाओ। आप ट्राई करो कि यहाँ पे 15वें दिन या 16वें दिन में कॉन्करर कर लो, ठीक है, तभी ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी भाई ये बेजिमाई वाले के नशे में क्या ही बोलूँ, अपने मन से मैचिंग कभी कभी बंद कर देते हैं। अब बात करें इस गेम प्ले के बारे में, देख लो यहाँ पे रिकॉल वगैरह इकट्ठा कर लिया था, ठीक है, और इवेंट पे अपने 2 ही किल थे। अब ये भैया जी से थोड़ी बातें होती है, अब इनको मारता वगैरह नहीं हूँ, चाहता तो मार देता, इनके ही रथ पे बैठा था तो आराम से मार ही देता है ना पीछे फायर करके। बट मैं सोचता हूँ यार छोड़ो हटाओ, बंदे का रिकॉल खत्म हो जाएगा, ये भी रैंक पुश कर रहा है बिना मतलब का, 1 किल से अपना कुछ उखड़ नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई आप मेरे को इवेंट के साइड में छोड़ दो, और क्योंकि भाई मैं भी इधर से स्टिंग रे वगैरह यूज करके उड़ जाऊँगा, ठीक है। बाकी ये लास्ट के सर्कल में अभी देखना जो ही इंटेंस है, 2 ही किल है मेरे, ठीक है। अभी लास्ट के चलते चलते कितने किल्स निकालूंगा ये देख के ना बिल्कुल आपको भाई बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अब अपने पास रिकॉल है तो भाई हमें चाहिए केवल किल, ठीक है, चारों तरफ से बस किल चाहिए। चलो भैया जी मिलते हैं एक जो कि, अरे भैया इतना इजी यार, मतलब भाई ऐसे ऐसे कांड मत किया करो। देख रहे हो सामने बंदा है तो भाई यू टर्न लेके भाग भी तो सकते थे, आपको इधर आना जरूरी नहीं था। खैर कोई ना, इनको मार के आप हमारे 3 किल हो गए। भाई सामने वाला बंदा गलती करे तो अपने लिए अच्छी बात है ना। खैर कोई ना, यहाँ पे 3 किल हो जाते हमारे। अब सर्कल ब्रिज के इस साइड बन रहा था और भाई ये वाला घर आके होल्ड कर लेता हूँ, अभी मेरा रिकॉल भी खत्म होने वाला था। भाई बग्गी आती है, बंदे को 1 हेडशॉट और बॉडी शॉट तो मारा लेकिन उससे कुछ होता नहीं। और भाई ऐसे स्प्रे ले रहे हो ना तो हमेशा थर्ड पार्टी का ख्याल रखा करो, कब कहाँ से कौन बंदा देख रहा हो, है ना। अब भाई मैं अपना होल्ड कर ही रहा होता ना तभी ये बंदा आई मीन ये बोट जो है अपने को डरा देता है भाई, कि मैं सोचा कोई बंदा पुश कर रहा है अंधा साला, बट भाई ये तो रहता है बोट। खैर कोई ना, यहाँ पे हमारे 4 किल हो जाते हैं। ओके, अब जो स्प्रे आने वाला है ना इसके बारे में आपका ख्याल क्या है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आने तो दो, आ गया, चलो। बंदा ब्लैक छोड़ दे साले, बट मेरे को तो किल नहीं चाहिए क्या साले। यार कोई ना, एलेक्स भैया को मार के यहाँ पे हमारे 5 किल हो गए थे। बताओ यार स्प्रे कैसा था, मजेदार था, है ना भाई, वो भी 4x से इस कादल से। खैर कोई ना, सर्कल अपने से जा चुका था तो आगे जाते हैं। चलो आगे की ओर प्रस्थान कर ही रहा होता हूँ तभी ये भैया जी ने लिया अपने पे स्प्रे। तो अब भाई ये ना अपने जान बचाने के लिए करेंगे गॉड से प्रे, तो देखो उनको कैसे चापेंगे अभी। अब भाई ये भैया जी जोन के बाहर थे तो मैं सोचा यार फायदा उठाया जाए, इनको तो आना ही पड़ेगा, है ना। बाकी यार बंदे का रिफ्लेक्स अच्छा था, देख रहे हो कैसे घूम के मारा, वो तो अच्छा हुआ कि कनेक्ट नहीं हुआ गोली।
एम अच्छा नहीं था, रिप्लेक्स तो अच्छा था। खैर कोई ना, यहाँ पे हमारे कितने किलो हो गए, 6 किलो गए, अभी और भी होंगे, गिनते रहो। चलो, सर्कल छोटा होता चला जा रहा था तभी सामने एक और भैया जी दिख जाते हैं अपने को, ठीक है, जो कि ओपन में पता नहीं किसके ऊपर टीपीपी टपापी ले रहे होते हैं। और अच्छे टाइम में भाई यहाँ पे क्या स्प्रे मारा हूँ, मजा आ गया, मेरे को तो मजा आ गया भाई। आपको मजा आया कि नहीं मेरे को नहीं पता, खैर मजा आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए हमारे 7 किलो इजली। तो मैं सोचा यार M416 हो तो उठा लिया जाए इधर पे, जो कि मिल भी जाता है। अब देखो अपने इस रथ में ज़्यादा फ्यूल नहीं था तो मैं सोचा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि भाई पीछे कोई बंदा है नहीं और कोई उड़ के भी आएगा तो चाप दिया जाएगा। देखते हैं कोई बंदा ओपन में अगर स्पॉट हो जाए। भाई क्या ही डैमेज दिया हूं, लेकिन यार बंदा बच के भाग जाता है, क्या बोले। अब देखो इसके भी टाइम पे रिलोड कर रहा होता हूं, फिर भी कोई बात नहीं, इसको भी डैमेज दिया ठीक ठाक। अब देखो मैं इधर उधर थोड़े से मजे कर रहा होता हूँ ना, तभी सामने से जो शेक वाले भैया जी हैं वो दिखाते हैं थोड़ी सी चुल। तो यहाँ पे हम इनको कर देंगे लॉबी से गुल, ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। अब इनको तो जोन में आना ही पड़ेगा ना मेरी जान। अब जोन में नहीं, ये लॉबी में जाएंगे सीधा। हाँ चलो, वैसे ये वाला स्प्रे कैसा लगा कमेंटों में बताओ यार, वैसे सारे स्प्रे अच्छे जा रहे हैं। अब भाई इनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी कभी कभी गिरा देता हूँ, जो कि आपने देखा ही होगा किसी ना किसी गेम प्ले में। अब देखो जिन बंदों में मचेगी चौड़ उनको मैं कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, कुछ तो कर दूंगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। खैर यहाँ पे भाई ये देख लो कैसे चौड़िया रहे थे, खैर इनको मार के हमारे 9 किलो इजली हो गए थे। अब देख लो स्टिंग दे नहीं बन रहा है, डर लग रहा है कहीं से कोई चाप ना दे। चलो बन गया बन गया बन, उसी फ्लो में स्मोक भी यहाँ पे फेंका गया। भाई टाइमिंग का खेल यार, टाइमिंग का खेल, उस बंदे का उस पे बैठना अच्छा टाइमिंग था, उसके बाद उड़ना अच्छा टाइमिंग था यार। खैर बाकी सब तो ठीक है, बचे हैं 2 बंदे, ठीक है। अब भाई यार क्या ही डैमेज दिया सामने वाले बंदे ने, बट बच गए साला, हील भी नहीं करने दे रहा है। अब भाई यही यहाँ पे सिस्टम हो गया, एक बंदा इस साइड है एक बंदा उस साइड है, अगर मैं रुक के किसी को मारने भी लगूंगा ना तो थर्ड पार्टी होगा, जो कि यार फिर भी मैं सोचा यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे अपने स्टिंगरे का हेल्थ भी कम था, अगर ये बंदे फोड़ देंगे तो भाई यहाँ पे बीच में ही फंस जाऊँगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखो HP भी यहाँ पे पूरी नहीं रहती। अब भाई उस बंदे ने इस बंदे को डैमेज दिया, ठीक है, ये बंदे ने सामने वाले बंदे को डैमेज देता है हल्का। लेकिन भाई जाते जाते ना उसने हील कर लिया था। खैर अपने भाई दोनों ने मिल के अपना लूटा, एक बंदे ने नॉक किया एक ने फिनिश किया। खैर कोई ना, इधर पे आप प्लस भी देख लो कितना मिला, 35 का अच्छा खासा प्लस मिल गया। चलो कोई ना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वैसे यार FPP वाले बंदे लाइक थोड़ा सा कम करते हैं तो भाई मज़ा नहीं आता, तो कर दिया करो यार, नहीं तो वैसे भी मैं कल परसों से वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। भाई ऐसे सिचुएशन रहेगा तो यार समझ ही सकते हो, है ना, क्योंकि भाई बंदे भी देखने वाले रहना चाहिए। अब लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन देखने वाला है कौन नहीं देखने वाला है। बाकी यहाँ पे देख लो भाई,
यार हेडशॉट कैसे एकदम से झकास कनेक्ट ही हो जाता है भाई इन लोग का। खैर कोई ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।